नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं और इन्हीं उपचुनावी सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेट ठेकेदारों को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में वैध रेत के जो ठेकेदार हैं उनको खनन और परिवहन में कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए। साथ ही जो मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन और परिवहन करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रेत ठेकेदारों के प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा की और इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि अनुबंध की समाप्ति तक इंस्टॉलमेंट में 10% की छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र को जो इंस्टॉलमेंट है वो भी समाप्त की जाए। वहीं उन्होंने ऐसा कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा किया है। साथ ही उन्होंने अपने व्यवसाय में आ रही प्रक्रियात्मक मुश्किलों को भी, परेशानियों को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दूर करने की मांग की है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो मध्य प्रदेश में वैध रेत के ठेकेदार हैं उनको खनन और परिवहन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और साथ ही जो अवैध रेत खनन और परिवहन करते हैं जो ठेकेदार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।